वेलकम एवरीबॉडी टू द न्यू लेक्चर। सो ये लेक्चर होने वाला है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का। तो पहले ही से करवाया था स्टर्न-गर्लॉक एक्सपेरिमेंट, तो अब एलएस कपलिंग पे बात करेंगे कि कैसे एन और एस कपल करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एटम से, दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास दो मोमेंटम है, एक इसके पास है एंगुलर मोमेंटम है क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरा इसके पास है स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्योंकि ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, तो इन दोनों के कारण इसके इसके पास एक तो म्यू एल है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, एक तो ऑर्बिटल के कारण है म्यू एल, और एक एस के कारण है म्यू एस। दो तरीके के मैग्नेटिक मोमेंट है, एक एल के कारण, एक एस के कारण। अब एक इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में घूमता है तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और अगर करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मतलब वो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और अगर करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एक लूप में तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है बीएल। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, स्पिन करने की वजह से भी ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जिसको बोलेंगे बीएस। अब एल एस कपलिंग मींस एल एस के साथ कपल करेगा, तो ये म्यू एल इस बीएस के साथ कपल करेगा, ये म्यू एस इस बीएल के साथ कपल करेगा, इन दोनों की क्या होगी कपलिंग। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस म्यू डॉट बी, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो यू कितना आता है मेरे पास, माइनस म्यू एल डॉट बी किसका, एस का, बी एस, माइनस म्यू एस डॉट बी एल। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है एल और एस के लिए, एल एस एल एस इन दोनों की कपलिंग हो रही है, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल ड्यू टू स्पिन। अब होता क्या है, इसके कारण लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं, इसके कारण जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हमारे स्प्लिट होने लगते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास ऐसे कोई एनर्जी लेवल है 3p, ठीक है, ऐसा कुछ लेवल है 3p ऐसा लिखा हुआ है, इसका मींस एल का वैल्यू कितना है मेरे पास, पी है, एल का वैल्यू कितना होगा 1 3। ये 3 क्या बताता है कि 2s plus 1 है ना जो मेरा वो 3 है, दैट इज 2s का वैल्यू आ गया 2, दैट इज s का वैल्यू कितना है 1, s का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 1 है, तो j का वैल्यू कितना आ रहा है 1 - 1 0, 1 + 1 2, इनके बीच में क्या आ जाएगा 1 0 1 2, इंटीग्रल स्टेप में इंक्रीज होता है 0 1 2, यानी कि किस लेवल्स में ऐसे हो सकता है 3p 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब तीन लेवल में स्प्लिट हो गया लेवल, कौन सा नीचे स्प्लिट हुआ, मींस जे 0 यहां भी हो सकता है, ये स्प्लिटिंग भी हो सकती है कि 0 नीचे फिर 1 फिर 2 ऐसा भी हो सकता है, जे इक्वल टू 2 जे इक्वल टू 1 फिर जे इक्वल टू 0। तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, इसके लिए आपको जानने पड़ेंगे हुंस रूल, तो कुछ रूल्स हैं जो आपको ये बताएंगे कौन से लेवल नीचे जाएंगे कौन से लेवल ऊपर जाएंगे आफ्टर स्प्लिटिंग, ठीक है, तो वो एक बार डिस्कस करते हैं हुंस रूल। उससे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लेता हूं मैं आपको दो लेवल दे रहा हूं, एक दे रहा हूं 3p, एक दे रहा हूं 3d, दो लेवल दिए मैंने आपको, एक 3p और एक 3d, ठीक है, इनके बीच का अगर ट्रांजिशन होगा, इसके बीच का अगर ट्रांजिशन होगा तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेट, उसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर स्केल पे लाइन आएगी एक, उसको बोलेंगे मल्टीप्लेट। ये जो है 3p और 3d इनको बोलते हैं टर्म लेवल्स, क्या बोलते हैं टर्म लेवल्स, तुमने इसको जाना ही, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल्स होते हैं, ये क्या होते हैं टर्म सिंबल्स, इसीलिए इसको टर्म लेवल्स बोल देते हैं। अब अगर तुम्हें p पता है, यानी कि p का मतलब क्या हुआ, l कितना है इसमें 1, s कितना है 3 है, यहां पे तो s कितना है 1, यहां भी s 1 है, d है तो मतलब l 2 है, यानी कि आप j की वैल्यूज निकाल सकते हो, तो j की वैल्यू कितनी है 2 - 1
वन टू प्लस वन थ्री, तो वन टू थ्री। सिमिलरली यहाँ जे का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन में से वन गया जीरो, वन प्लस वन टू, बीच में क्या आ गया वन, तो जे की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब ये जो जे है, जे के लेवल्स बनेंगे ना, चाहे वो इस तरीके से बने या इस तरीके से बने, उन्हें क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स और जे लेवल्स, या तो एनर्जी लेवल्स बोलते हैं या जे लेवल्स बोलते हैं। जीरो वन टू भी हो सकता है, जीरो वन टू या टू वन जीरो भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे जे वन टू थ्री, वन टू थ्री, अब ये वन टू थ्री भी हो सकता है, थ्री टू वन भी हो सकता है, वो कौन बताएंगे आपको, हम सुन। तो ऐसे स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर यहाँ ट्रांजिशन होगा, यहाँ ट्रांजिशन होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर स्केल पे लाइन, उसको क्या बोलते हैं, लाइन। ये कुछ नॉर्मल के लिए चलेंगे, मान लो कि इनको टर्म लेवल्स बोलते हैं, इनसे जो ट्रांजिशन होता है उसको मल्टीप्लेट बोलते हैं, इनसे जो ट्रांजिशन होता है यानी कि जे लेवल्स के बीच में उसको लाइन बोलते हैं। अगर जे लेवल्स फर्दर स्प्लिट हो जाए, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, जे लेवल्स स्प्लिट होंगे एमजे में, एमजे क्या होता है, टू जे प्लस वन, यानी कि जितना भी जे का वैल्यू होगा उतने जे एमजे में स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर जे का वैल्यू हाफ है, जे का वैल्यू हाफ है, तो ये स्प्लिट होगा प्लस हाफ में और माइनस हाफ में, यानी कि फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे। बट कब, मैग्नेटिक, ये क्या होता है, मैग्नेटिक नंबर, मैग्नेटिक मीन्स अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ये स्प्लिटिंग होगी। तो ये हमारे यूज आएगी जीमान इफेक्ट में, क्योंकि जीमान इफेक्ट क्या होता है, अगर आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो आपके लेवल्स, जे लेवल्स फर्दर स्प्लिट होते हैं एमजे लेवल्स में। तो ये बात की बात है, अभी तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, एक टर्म लेवल, एक एनर्जी लेवल, इनके बीच का ट्रांजिशन मल्टीप्लेट, इनके बीच का ट्रांजिशन लाइन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे सेट करना है कि कौन सा लेवल ऊपर होगा, कौन सा लेवल नीचे होगा। तो हंस रूल पे बात करते हैं, ठीक है, कि हंस रूल से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो कौन सा लेवल ऊपर आएगा, कौन सा लेवल नीचे आएगा, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हाफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है हाफ, ये टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कि पहला इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन, दूसरा हाफ स्पिन, एल दिया हुआ है इसका मेरे पास वन, इसका एल मेरे पास दिया हुआ है जीरो, ठीक है, एक का एल जीरो दिया हुआ है, एक का एल वन दिया हुआ है, या इसको भी वन ले लेते हैं, इसको टू ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अगर LS कपलिंग की बात करूं, एक बात ध्यान रखना, LS कपलिंग हमेशा होगी लाइटर एटम्स में, कहां होगी, लाइटर एटम्स में LS कपलिंग, और हैवियर एटम्स में, हैवियर एटम्स में होगी JJ कपलिंग। अब LS कपलिंग क्या है, JJ कपलिंग क्या है, देखो आप क्या कर सकते हो, L और L को कंबाइन कर सकते हो, कैपिटल L बन जाएगा, S और S को कंबाइन कर सकते हो, कैपिटल S बन जाएगा, फिर L और S से J निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या निकाला, L, फिर क्या निकाला, S, उसके बाद J निकाला, इसको बोलते हैं LS कपलिंग, कि L को कंबाइन किया, S को कंबाइन किया, उसके बाद J निकाला, तो ये होती है LS कपलिंग। लेकिन तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, L और S को कंबाइन करो, इसके L को और इसके S को, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन है उसके L और S को कंबाइन करो, उससे J1 आएगा, इसके L को और इसके L को, यानी कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके L को और इसके S को कंबाइन करो तो उससे J2 आएगा, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगी, J वैल्यूज, इसको बोलते हैं JJ कपलिंग, इसको बोलते हैं JJ कपलिंग। तो LS कपलिंग हमेशा लाइटर एटम्स के लिए काम करेगी, और जो JJ कपलिंग है वो हैवियर एटम्स में काम करेगी। मान लेते हैं अगर मैं Z का स्केल बना रहा हूं, यानी कि एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक एटॉमिक नंबर का अगर स्केल बना रहा हूं Z का, तो Z 0 से लेके Z इक्वल टू 50 तक हम मानते हैं एटम्स लाइटर है, दैट मींस इनके अंदर जो कपलिंग है वो कौन सी कपलिंग है, LS कपलिंग। और उसके बाद Z इक्वल टू 80, Z इक्वल टू 80 से बड़े जितने भी हैं उनको बोलते हैं हैवियर एटम्स, और अगर हैवियर एटम्स हैं तो उनके अंदर कौन सी कपलिंग होगी, JJ कपलिंग होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है LS कपलिंग, सबसे पहले LS सीखेंगे, उसके बाद JJ कपलिंग सीखेंगे, बीच में जो रह गए वो मिक्स्ड, तो इनको हमें स्टडी नहीं करना है,
हमें ये स्टडी करना है जेड 0 से 50 और जेड 80 से बड़े, ठीक है, जेड एटॉमिक नंबर है। तो एलएस कपलिंग में क्या होगा, एल को कंबाइन करेंगे पहले, फिर एस को कंबाइन करेंगे, फिर जे को कंबाइन करेंगे, लेकिन जे जे कपलिंग तो उल्टा हो जाता है। इसके एल को और इसके एस को कंबाइन करके जे वन लिखते हैं, इसके एल को और इसके एस को कंबाइन करके जे टू लिखते हैं, फिर इन दोनों को कंबाइन करके टोटल जे लिखते हैं, ये होता है जे जे कपलिंग। तो अब बात करते हैं एलएस कपलिंग में। तो सबसे पहले हमने एलएस कपलिंग में देखा क्या कंबाइन कर रहे हैं, एल को कंबाइन कर रहे हैं, फिर एस को कंबाइन कर रहे हैं, फिर उनसे जे निकाल रहे हैं। तो अब ये जो लेवल स्प्लिट होंगे कैसे होंगे ये देखो, और हुंड रूल्स क्या बोलते हैं वो भी बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या करो, एल को कंबाइन करो, एल को कंबाइन करो, तो क्या आएगा, एल वन माइनस एल टू के मोड से लेके एल वन प्लस एल टू का मोड, ठीक है, तो टू माइनस वन इज वन से लेके टू प्लस वन का मोड, दैट इज टू माइनस वन इज वन, टू प्लस वन इज थ्री, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है टू, एल की वैल्यूज कितनी आ गई मेरे पास वन टू थ्री। अब ऐसे ही एस कंबाइन करता हूँ, एस इज एस वन माइनस एस टू का मोड से लेके एस वन प्लस एस टू का मोड, वन बाई टू वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन बाई टू से लेके वन बाई टू प्लस वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन बाई टू जीरो, वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन, तो दो ही वैल्यूज आएगी। एस की कितनी वैल्यूज आ गई मेरे पास जीरो और, ठीक है, एस की दो वैल्यूज आ गई, एल की तीन वैल्यूज आ गई। अब लेवल स्प्लिट हो गए, लेवल स्प्लिट हो गए, तो मैं बात कर रहा हूँ एलएस कपलिंग की, एलएस कपलिंग की, और एलएस कपलिंग में कैसे लेवल स्प्लिट होते हैं ये देखो। सबसे पहले आपके लेवल स्प्लिट होंगे स्पिन स्पिन वाले, स्पिन स्पिन एनर्जी, सबसे पहले अगर आप स्प्लिटिंग करोगे तो स्पिन स्पिन वाले लेवल्स की करोगे, यानी कि इसके अंदर स्पिन स्पिन वाला जो फैक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है। सबसे पहले स्प्लिटिंग किसकी होती है, स्पिन स्पिन की, उसके बाद स्प्लिटिंग होती है एलएलटी, दैट इज दिस एल और एल, इसको बोलते हैं रेजिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी, रेजिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी, यानी कि इस बार स्प्लिटिंग होगी मेरी एल और एल की, यहां हो रही है एस और एस की। उसके बाद जो सबसे लेस डोमिनेंट रह जाता है वो है एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, देखो बताता हूं, एस में देखो कितने लेवल बन रहे हैं, दो, जीरो और वन, एल में कितने लेवल बन रहे हैं, वन टू थ्री। अब ये लेवल क्या होंगे, दो लेवल आ रहे हैं मेरे पास एस का, एक तो जीरो एक वन। अब कौन सा जीरो वाला लेवल है, या तो ये एस जीरो या ये एस वन, इन दोनों को ऐसे बना सकते हो या ऐसे बना सकते हो कि एस वन नीचे है एस जीरो ऊपर है, इन दोनों में से कौन सा ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ठीक है। सिमिलरली एल के लिए कि वन वाला नीचे रहेगा कि थ्री वाला नीचे रहेगा, इसके लिए मेरे को रूल देखने पड़ेंगे, और रूल देखने के बाद तो सबसे पहले मुझे किसका लेवल बनाना है, स्पिन स्पिन का, यानी कि ये जीरो और वन वाले, उसके बाद किसका बनाना है एल एल, यानी कि एल वन टू थ्री, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टू एस, उसके बाद एल एस कपलिंग बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको हुंड रूल बता देता हूँ कि कैसे हुंड रूल काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एस की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई, इनको मैं रखता हूँ, बाकी सब बता देता हूँ। एस की वैल्यूज को रख लिया मैंने, एल की वैल्यूज को रख लिया क्योंकि मुझे काम आने वाली है, ये ऑर्डर ध्यान में रखना है कि सबसे पहले स्प्लिटिंग होगी एस एस की, यानी कि स्पिन स्पिन लाइटर एटम्स में, फिर रेसिडुअल इंटरेक्शन एनर्जी जिसको एल एल की स्प्लिटिंग बोलते हैं, और ये है तुम्हारी लास्ट में जाके एल एस कपलिंग, यानी कि सबसे वीकेस्ट हो जाएगी। तो मेरे पास एस की स्प्लिटिंग आ गई है, एल की स्प्लिटिंग आ गई है, हुंड रूल क्या बोलते हैं, पहला रूल बोलता है सबसे पहले किसको देखना, स्पिन को, तो हाईएस्ट एस, हाईएस्ट एस लेवल लाइज लोवेस्ट, लाइज लोवेस्ट, क्या बोल रहा है, हाईएस्ट एस, देखो एस की दो वैल्यूज आ रही है, एक जीरो और वन, हाईएस्ट कौन सा है, एस इक्वल टू वन, वो वाला लेवल नीचे लाई करेगा, लाइज लोवेस्ट, सबसे नीचे। सिमिलरली हाईएस्ट एल, हाईएस्ट एल लेवल लाइज लोवेस्ट, एल के लिए भी सेम काम है, एल में देखो तीन वैल्यूज है वन टू थ्री, तो सबसे नीचे कौन सा लेवल आएगा, लोवेस्ट कौन सा आएगा, जिसकी एल की हाईएस्ट वैल्यू है, एल की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है थ्री, ये रूल अभी बताऊंगा आए कहां से, ठीक है। थर्ड, अब एल की बात हो गई, एस की बात हो गई, अब जे की बात करते हैं, जे में उल्टा हो जाता है, लोएस्ट जे, लोएस्ट जे लेवल लाइज लोएस्ट,
ये दोनों से उल्टा हो गया जे का, जो जे का लेवल लो वाला है, यानी कि जो कि जे की वैल्यू छोटी आएगी, यानी मैं मान लेते हैं मेरे पास जे की वैल्यू आ गई 0 1 2, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 0, तो सबसे नीचे कौन सा लेवल लाइक करेगा, जे इक्वल टू 0 वाला लोएस्ट। तो ये तीन रूल का ध्यान में रखना है आपको, जे अगर लोएस्ट है तो वो नीचे लाइक करेगा, हाईएस्ट एस लेवल नीचे लाइक करेगा, हाईएस्ट एल लेवल नीचे लाइक करेगा। इन दोनों रूल को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं 102 नंबर रूल की, ये कैसे आया कि हाईएस्ट एस नीचे क्यों जा रहा है, हाईएस्ट एल नीचे क्यों जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट करे तो नोट करो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाई दिस इज सो, कैसा क्यों हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो एक बार ये मैं हटा देता हूं, फिर से ये मैं लिख लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो मैं हुक्स रूल आपको समझाना चाहता हूं, यही समझा देते हैं। चलो मेरे पास एस के कितने वैल्यूज आ रहे हैं, 0 और 1, 1/2 1/2 0 आ सकता है या 1/2 1/2 1 आ सकता है। तो देखो 0 कब आएगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, एक +1/2 एक -1/2, +1/2 -1/2 दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्या बन जाएंगे 0। एक स्पिन अप है एक स्पिन डाउन है, जब स्पिन अपोजिट्स होते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्ट, क्या होता है, अट्रैक्ट, ठीक है। अगर अट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसको मैं R1 बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं, R1। S equal to 1 कैसे आएगा, अगर ये 1/2 है ये 1/2 है तो S equal to 1 आएगा। दोनों कैसे हैं, सेम, सेम मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, क्या करेंगे एक दूसरे को, रिपेल, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दूर फेंकेंगे, क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, इनके जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। That is R2 is greater than R1। देखो भाई कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है तो पास में आ जाएगी, डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कम हो गया, रिपेल कर रही है तो दूर चली जाएगी, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो R2 is much much greater than R1। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, K Q1 Q2 by R। तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा R होगा उतना U कम हो जाएगा। R किसका ज्यादा है, R2 का, R2 का R ज्यादा है तो R ज्यादा U कम, दैट इज U2 कम है U1 से, U2 कम है U1 से, क्योंकि R ज्यादा तो U कम, R किसका ज्यादा है, इसका R2, ये दोनों दूर दूर है, R ज्यादा तो U कम। तो S equal to 1 के लिए U की वैल्यू कम है, S equal to U के लिए, S equal to 0 के लिए U की वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो हाइयर S वैल्यू है, हाइयर S वैल्यू S equal to 1, उसकी जो एनर्जी है वो कम है, उसकी एनर्जी क्या है, कम, तो वो नीचे लाई करेगा, ये लिखा है यस एस लेवल लाइज लोएस्ट, यानी कि एस इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू 1 में एस इक्वल टू 1 के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो लेवल जो हाईएस्ट वाला है वो नीचे चला जाएगा, लोएस्ट वाला ऊपर चला जाएगा। तो स्प्लिटिंग पहले रूल समझ आया कैसे हो रहा है, कि एस इक्वल टू 0 में एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो यू बढ़ जाएगा, तो इसका यू ज्यादा इसका यू कम, इसलिए ये नीचे लाई करेगा। अब सेकंड रूल, हाईएस्ट एल लेवल लाइज लोएस्ट, कि हाईएस्ट जो एल लेवल है वो कैसे लाइक करता है लोएस्ट, एस वाला तो समझ आ गया होगा। अब एल का देख लेते हैं, ये मुझे सारा हटाना पड़ेगा इसके लिए। एल का देखो, एल की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, 2 -1 1, 2 + 1 3, इन दोनों के बीच में आ रहा है 2, तो एल के मेरे पास 3 वैल्यूज आ रही है, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, तो मतलब मैं 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, मैंने मान लिया दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है, कैसे, मतलब अगर एक सर्कल है तो दोनों डायमीटर पे है, तो डायमीटर पे इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, ठीक है, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, हेलो आर क्रॉस वी, ये रहा आर, ये रहा आर, ये रहा वी, आर क्रॉस वी बाहर की तरफ, कहां है, बाहर की तरफ, डॉट से लिख लेता हूं, जेड डायरेक्शन, बाहर की तरफ, इसका भी इधर है, इसका आर इधर है, इसका भी इधर है, ये इधर जा रहा है, इसका आर इधर है, क्योंकि ऐसे घूमेगा ना इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, इसका आर इधर, इसका भी इधर, आर क्रॉस वी, L क्या होता है, R क्रॉस P, L क्या होता है, R क्रॉस P, P
पी की जगह मैं रखूंगा एम वी, आर क्रॉस वी फाइंड आउट करना है मुझे। आर वी ये कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, ये भी आ रहा है बाहर की तरफ जेड डायरेक्शन में, इसका एल भी बाहर, इसका एल भी बाहर, इसका एल मान लेते हैं वन है, इसका एल मान लेते हैं टू है, दोनों का एल कहाँ है बाहर की तरफ, यानी कि एल जुड़ रहा है, एल जुड़ रहा है टू प्लस वन थ्री, क्योंकि ये भी बाहर की तरफ ये भी बाहर की तरफ, दोनों बाहर की तरफ सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो जुड़ेगा, तो मतलब ये आ गया मेरा हाईएस्ट एल। अब बोला क्या था, हाईएस्ट एल वाला जो लेवल होगा वो सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे होगा, क्यों हो रहा है, इसमें देखो जब डायमेट्रिकली अपोजिट है दोनों, जब दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट है तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो डिस्टेंस कम है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है पहला यहाँ है तो डिस्टेंस कम है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ होगा, दोनों क्या होंगे डायमेट्रिकली अपोजिट, जब डायमेट्रिकली अपोजिट है तो एल की वैल्यू क्या आ रही है हाईएस्ट, अब जब एल की वैल्यू हाईएस्ट आ रही है तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है ज्यादा, आर की वैल्यू ज्यादा है तो यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो यू की वैल्यू क्या है कम, यानी कि जो हाईएस्ट एल वाला लेवल होगा वो सबसे नीचे लाई करेगा, यानी कि एल इक्वल टू थ्री नीचे होगा, एल इक्वल टू टू ऊपर हो जाएगा, एल इक्वल टू वन उससे ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे है पहला रूल हाईएस्ट एस लाइज लोएस्ट, सेकेंड रूल हाईएस्ट एल लाइज लोएस्ट, थर्ड रूल था लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट, उसका एक्सप्लेनेशन एक बार मेरे को मिला नहीं है, उसे एक बार ध्यान में रखना कि जो लोएस्ट जे है वो लोएस्ट लाई करता है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ स्प्लिटिंग कैसे हो रही है मेरी, देखो रूल्स पता लगे मुझे, स्प्लिटिंग का लेवल पता लगेगी, पहले एस होंगे फिर एल होगा फिर एल एस होगा, एल एस मीन्स जे, तो मेरी एस की वैल्यूज आई थी जीरो और वन और एल की वैल्यूज आई है वन टू थ्री, तो एस जीरो के लिए, एस जीरो के लिए मेरे पास एल की कितनी वैल्यूज है वन टू थ्री, देखते जाना एक बार, एस इक्वल टू जीरो के लिए मेरे पास एल की कितनी वैल्यूज है वन टू थ्री, और एस इक्वल टू वन के लिए मेरे पास एल की कितनी वैल्यूज है वन टू थ्री, सबसे पहले किसका स्प्लिटिंग करना है, स्पिन स्पिन का, स्पिन स्पिन का, तो ये जो लेवल, अगर तुम इसका टर्म सिंबल लिख सकते हो, अगर तुम्हें एल पता है एस पता है तो क्या टर्म सिंबल लिख सकते हो, ये क्या है एल, एल मीन्स पी, ये क्या है एल टू मीन्स डी, एस वन बाई टू, टू एस प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, टू एस प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, क्योंकि ऐसा लेवल दिया हुआ है तुम्हें टू पी टू डी, इसकी स्प्लिटिंग देखनी है, इसकी क्या करनी है स्प्लिटिंग देखनी है, तो सबसे पहले स्प्लिट हो रहे हैं स्पिन स्पिन, जीरो और वन, जीरो और वन, मान लेते हैं ये हमारा लेवल था टू पी, ये हमारा लेवल था टू डी, ये स्प्लिट हुए, ये अनपर्टर्ब लेवल है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, अनपर्टर्ब लेवल, अब ये स्प्लिट होंगे स्पिन में, कौन सा स्पिन नीचे लाई करेगा हाईएस्ट एस, हाईएस्ट एस क्या है इसी पर, तो मेरा पहला स्प्लिटिंग हो गया, किसका हुआ स्पिन स्पिन का, ये है स्पिन स्पिन का स्प्लिटिंग, अब किसका स्प्लिटिंग हुआ एल का, ठीक है, एल की कितनी वैल्यूज है, एस के लिए एल की वैल्यूज थ्री, एस इक्वल टू वन के लिए एल की वैल्यूज वन टू थ्री, एस इक्वल टू जीरो के लिए एल की कितनी वैल्यूज है वन टू थ्री, सिमिलरली इसके लिए वन टू थ्री, तो सबसे नीचे कौन लाई करेगा, सबसे नीचे कौन लाई करेगा जो हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट इज थ्री, इसमें क्या करेगा ये फर्दर स्प्लिट होगा एल इक्वल टू जीरो, एल इक्वल टू वन, नहीं जीरो नहीं है वन टू थ्री है ना, वन टू थ्री, तो एस इक्वल टू जीरो के लिए एल की वैल्यूज वन टू थ्री, तो सबसे नीचे लाई करेगा थ्री, थ्री फिर टू, सिमिलरली एस इक्वल टू वन के लिए वन टू थ्री, तो सबसे ऊपर एल इक्वल टू वन, फिर एल इक्वल टू टू, फिर एल इक्वल टू थ्री, तो ये जो स्प्लिटिंग आ गई ये आ गई तुम्हारी एल एल की स्प्लिटिंग, रेजिडुअल इंट्रैक्शन एनर्जी, ये किसकी स्प्लिटिंग आ गई एल एल की, अब मेरे पास बचा एल एस कपलिंग, एल एस कपलिंग यानी कि जे की वैल्यूज निकालनी है, किसकी वैल्यूज निकालनी है जे की वैल्यूज, तो जे की वैल्यूज मैं पहले यहां निकाल देता हूं, एल और एस को कंबाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा जे, ठीक है, तो पहले इस जीरो को कंबाइन करो वन के साथ, जीरो को कंबाइन करो वन के साथ, तो जे की वैल्यूज कितनी आएगी वन और जीरो, वन माइनस जीरो वन प्लस जीरो वन ही आएगी, कोई डाउट, अब कंबाइन करो जीरो और टू को, जीरो और
टू को, जीरो को टू के साथ कंबाइन करोगे तो टू माइनस जीरो इज टू, टू प्लस जीरो इज टू, टू आ गया। जीरो और थ्री को कंबाइन करो कितना आएगा, तो जे की वैल्यूज कितनी आ गई, तीन वैल्यूज आ गई। यहाँ देखो इसको कंबाइन करो वन और वन को, एस वन है एल वन है, जे की वैल्यूज कितनी आएगी, एल माइनस एस से लेके एल प्लस एस, यानी कि वन माइनस वन से लेके वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस वन टू, इनके बीच में क्या रहेगा वन। तो जे की वैल्यूज एस के लिए एल के, एस की वन एल की वन के लिए जे की वैल्यूज तीन आ रही है, जीरो वन और, मतलब यहाँ तक तो इजी था लेकिन यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया, ठीक है। तो मतलब आगे जो स्प्लिटिंग है वो और ज्यादा हो जाएगी, आगे जो स्प्लिटिंग है और ज्यादा हो जाएगी, तो मेरे को इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा डायग्राम को, तो मैं ये हटा देता हूँ एक बार, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, पूरा डायग्राम यहाँ बनाता हूँ बड़े बोर्ड पे, ये भी हटा देता हूँ, मैं निकाल लिया है। अब मेरे को S1, S1, L1, अब मुझे निकालना है S1 और L2, S1 और L2, यहाँ जी की वैल्यूज कितनी आएगी, 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो इनके बीच में बच गया 2, ठीक है। अब 1 और 3, 3 माइनस 1 इज 2, 3 प्लस 1 इज 4, इनके बीच का आ गया 3, 2, 3, 4 आ गए इसके लिए, 1, 2, 3 आगे इसके लिए, 0, 1, 2 आगे इसके लिए, और इसके लिए 1, 2, 3। तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा अनपर्टर्ब लेवल था 2P2D, ये क्या है अनपर्टर्ब लेवल, ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं ये जीमान इफेक्ट में भी काम आएगा। जीमान इफेक्ट क्या होता है, एटम को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्प्लिटिंग होती है, तो जितना हम बना रहे हैं उतना तो है ही, जे तक उसमें एमजे हो रहा जाएगा, और एम जे कितनी वैल्यू रखता है 2J+1, तो आगे और स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो ये आना चाहिए, उसके बाद जीमान इफेक्ट की जो आगे स्प्लिटिंग है वो हो जाएगी। तो पी टू डी सबसे पहले किसकी स्प्लिटिंग होगी, एस की, तो एस इक्वल टू समथिंग, एस इक्वल टू समथिंग, तो सबसे नीचे हमारे पास इसकी दो वैल्यूज है 0 और 1, तो नीचे कौन लाई करेगा हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन है 1, ठीक है। ये होगी मेरी स्पिन स्पिन की स्प्लिटिंग। अब बात करते हैं एल की स्प्लिटिंग की, एल के लिए कितनी है 1 2 3, एस के लिए भी 1 2 3, एस इक्वल टू 0 के लिए भी 1 2 3, एस इक्वल टू 1 के लिए भी 1 2 3, एस इक्वल टू 0 के लिए भी 1 2 3, ठीक है। सबसे नीचे कौन लाई करेगा हाईएस्ट, हाईएस्ट इज एल इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 1, इसके लिए भी 1 2 3, इसके लिए भी 1 2 3, एल इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 1। अब मेरे को करनी है स्प्लिटिंग जे की, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसे आगे तक ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। अब स्प्लिटिंग करते हैं जे की, जब एस 0 है एल 1 है तो जे की वैल्यू 1 है, S 0 है L 2 है तो J की वैल्यू 2 है, S 0 है L की वैल्यू 3 है तो J की वैल्यू कितनी है 3, तो मतलब S 0 है L 1 है तो J की वैल्यू कितनी आएगी, सीधा सीधा हिसाब लगाओ, S 0 L 1 तो J कैसे स्प्लिट होगा, J कैसे स्प्लिट होगा, 1 माइनस 0 1 प्लस 0 1 ही आ जाएगा, J का वैल्यू 1। अब उसमें क्या था, लोएस्ट J लाइज लोएस्ट, इसमें तो है ही 1, जब 0 को 1 के साथ कंबाइन करोगे तो 1 ही आया है ना, 1 ही आया, कुछ ऐसे 0 1 2 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं आया। जब तुमने 0 को 1 के साथ कंबाइन किया थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ मैंने अलग अलग सॉल्व किया ना वैसे, कि जब एस 0 है एल 0 है तो जे एल 1 है तो जे का वैल्यू कितना आया 1, एस 0 है L 2 है तो J का वैल्यू कितना आया 2, और S 0 है L 3 है तो J का वैल्यू कितना आया 3, मतलब ये तो एक एक लेवल ही है, 1 2 3 अलग अलग लेवल्स हैं, ये J 1 आ गया, ये J 2 आ गया, J 3 आ गया। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, तुम कहोगे कि ये तो हाईएस्ट है और ये कैसे लोएस्ट लाई कर रहा है, वो तब देखना है जब मेरे पास ऐसे 0 1 2 1 2 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तब उसमें से सेलेक्ट करूंगा कि लोएस्ट J लाइज लोएस्ट, लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जब एस इक्वल टू 0 लिया एन इक्वल टू 1 लिया तो जे की एक ही वैल्यू आई,
तो एक वैल्यू क्या हाईएस्ट क्या लोएस्ट, एक तो एक है S0L2, J की वैल्यू कितनी है 2, और आप लिख दिया S0L3, मतलब इसकी इसके साथ स्प्लिटिंग एक ही लेवल आया J का, तुम ये समझो इसका इसके साथ स्प्लिटिंग J का एक ही लेवल आया, इसका इसके साथ स्प्लिटिंग J का एक ही लेवल आया। जब मल्टी लेवल आएंगे ना तब देखना है कि कौन सा नीचे लाई करेगा कौन सा ऊपर। देखो S=1, L=1, S=1, L=1, J की कितनी वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 0, 1, 2, यानी कि ये लेवल फर्दर तीन में टूट रहा है, किसमें टूट रहा है तीन में, एक लेवल तीन में टूट गया, यहां एक लेवल एक में टूटा है, एक लेवल एक में टूटा है, एक लेवल एक में टूटा है, इसीलिए हाईएस्ट लोएस्ट उसमें नहीं है, बट यहां होगा 0, 1, 2, कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर आएगा, लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट, लोएस्ट जे लाइज लोएस्ट, हूं थर्ड रूल, और लोएस्ट कौन सा है जीरो, ये जे इक्वल टू जीरो, ये जे इक्वल टू वन, ये जे इक्वल टू टू, ये बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं S=1, L=2, S=1, L=2, ये कितने लेवल में स्प्लिट होगा, फिर से तीन लेवल में, जहां जे की वैल्यू 1, 2, 3, 2 - 1 = 1, 2 + 1 = 3, इनके बीच में क्या रहेगा 2, तो जे के लेवल कितने आ गए 1, 2, 3, कैसे स्प्लिटिंग होगा, फिर से तीन स्प्लिट होगा। अब कौन सा नीचे लाई करेगा, लोएस्ट, लोएस्ट इज जे इक्वल टू 1, फिर जे इक्वल टू 2, फिर जे इक्वल टू 3, ऐसे स्प्लिटिंग देखनी है। अब एस इक्वल टू 1 और एल इक्वल टू 3 की स्प्लिटिंग करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्पेस मेरे पास ले रहा है, इसको मैं नीचे ले जाता हूं, एस इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 3, तो 3 - 1 = 2, 3 + 1 = 4, इनके बीच का क्या बचा है 3, 2, 3, 4, इसमें लोएस्ट कौन सा है J equal to 2, तो सबसे नीचे कौन लाई करेगा J equal to 2, फिर से तीन लेवल में स्प्लिटिंग हुआ, और सबसे नीचे कौन है J equal to 2, J equal to 3, J equal to 4, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है L का वैल्यू कैपिटल L, फिर निकालना है कैपिटल S, फिर S के साथ L को कंबाइन करना है J निकालना है, S को L के साथ कंबाइन करना है J निकालना है, उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है कि ये अनपटेबल लेवल था मेरा, उससे सबसे पहले स्प्लिटिंग किसकी देखनी है S की, किसकी देखनी है S की, और उसमें भी नीचे कौन लाई करेगा हाईएस्ट, नीचे कौन लाई करेगा हाईएस्ट, उसके बाद स्प्लिटिंग देखनी है L की, L की, L में भी नीचे कौन लाई करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी नीचे लाई कर रहा है हाईएस्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी नीचे लाई कर रहा है हाईएस्ट। अब S और L को कंबाइन करके J की वैल्यू लिखनी है, S और L को कंबाइन करके J की वैल्यू लिखनी है, S और L को कंबाइन करके J की वैल्यू लिखनी है, और J कौन नीचे आएगा कौन ऊपर, लोएस्ट J लाइज लोएस्ट, इसमें तो एक ही थे तो क्या लोएस्ट क्या हाईएस्ट, बट यहाँ मल्टी लेवल है, तो ये हमारा पूरा सिनेरियो बनता है स्प्लिटिंग का। दिस इज टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैंने दो इलेक्ट्रॉन लिए थे और उनकी स्प्लिटिंग देखी है, LS splitting. ये मेरी LS splitting है, ना कि JJ. JJ splitting करने का तरीका अलग होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। अभी और एग्जांपल्स करेंगे ऐसे 1, 2, 3 मोर एग्जांपल्स, बट दिस इज द बेसिक वीडियो, ये अच्छे से एक बार समझ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अभी इसके 2-3 एग्जांपल और करवाऊंगा, फिर तुम्हें फेमिलियरिटी आ जाएगी कि कैसे मुझे एलएस स्प्लिटिंग देखनी है, उसके बाद जेजे स्प्लिटिंग करेंगे, और फाइन स्ट्रक्चर अभी तक मैंने नहीं देखा है, फाइन स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो फाइन स्ट्रक्चर के लिए क्या यूज होगी, एलएस कपलिंग यूज होगी, तो इसीलिए मैं एलएस कपलिंग पहले करवा रहा हूँ, फाइन स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे एलएस कपलिंग से, तो एलएस कपलिंग पहले करवा रहा हूँ, उसके बाद जेजे स्प्लिटिंग, फाइन स्ट्रक्चर, फिर तुम्हारा जाएगा एल्काली एटम्स कि उनका स्पेक्ट्रा कैसे देखोगे, स्पेक्ट्रा ऑफ एल्काली एटम्स। तो आई होप आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, तो लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू वेरी मच।